हेलो मित्रों, मेरा नाम है ध्रुव जोशी और मैं हूँ एक टेक्निकल स्पोर्टर जो मैं नई नई टेक्नोलॉजी है मैं स्पोर्ट करता रहता हूँ और आपके सामने लाता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं एक नोवा ट्रिमर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जो मैं लगभग बहुत महीनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह है स्क्रीन में फर्स्ट लुक नोवा ट्रिमर का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एडवांस कटिंग, टाइटेनियम ब्लेडेड स्टेशनरी ब्लेड और वगैरह वगैरह, म्यूट डिज़ाइन और साइलेंट, काफ़ी किस्म का साइलेंट डिज़ाइन यहाँ इसमें दिया गया है। और इसमें ब्लेड जो दी गई है वो 0.8 mm से 2 mm तक ट्रिम करती है। तो यहाँ पे साइड में लिखा हो गया है कि ईजीली चेंज टू लेंथ, मतलब कि ये इसमें जो डिज़ाइन ऐसी दी गई है कि ईजीली चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ टाइप स्विच फॉर इजी ऑपरेशन आपको मिल जाता है और ऑयल और ब्रश वगैरह आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो यह है बॉक्स का लुक, ब्रश गलती से बॉक्स के अंदर ही रह गया है। और यह है केबल, बहुत ही लंबा केबल है। तो ये इसकी मैं खास बात यह मैं आपको बता दूं कि इसमें बैटरी अंदर से नहीं आती, आपको केबल कनेक्ट ही करना पड़ेगा पावर सॉकेट में, तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है क्योंकि कोई रिचार्ज करने का झंझट ही नहीं है इसका। तो इसकी ब्लेड है वो टाइटेनियम प्लेटेड ब्लेड है, तो मतलब मेरे ख्याल से अभी तक तो मैं घिसी नहीं है ये ब्लेड। तो यहाँ पे स्विच वगैरह, इसमें लाइट इंडिकेटर वगैरह दिया गया है स्विच में। तो प्लास्टिक, एक थिक प्लास्टिक बॉडी है और क्रोमियम वगैरह इसमें चिपकाया गया है, तो उसका लुक जो है वो मतलब कमाल का है। और यह है इसकी ब्लेड, इसका बैक जो है वो मेरे ख्याल से स्टेनलेस स्टील का है, बट ब्लेड, मेन वाली ब्लेड जो हिलती रहती है वो है मेरे ख्याल से टाइटेनियम वाली, और टाइटेनियम कोटेड है। और ये है पावर कोर्ड, मेड इन चाइना है ये, चाइना प्रोडक्ट बैन हुई थी उसके पहले मैंने इसको लिया था। और पावर कोड देख सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है, तो पावर सॉकेट थोड़ा सा दूर होगा तो आपको चल जाएगा आपका ट्रिमिंग काम। तो इसमें मैंने कहा था कि थोड़े से मोड दिए गए हैं, लंबी से थोड़ी सी कम वाली जो आपकी बियर्ड होगी वो आपकी सेट हो जाएगी। ये प्लास्टिक मटेरियल भी थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है इसमें। तो यहाँ से आप ये ट्रिमर की आवाज़ टेस्टिंग कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में अगर इसमें लिखा हुआ है कि भाई नॉइज़ कम करता है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कितनी आवाज़ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेटर शुरू हो चुका है और मैं करता हूँ ये ऑन। आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये जो है वो निकल दिया है एडजस्टमेंट वाला। और मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ, अभी मेन बात आती है कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ लेना चाहिए अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है और सबसे पहला ही आप ट्रिमर में खर्चा कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास इनफ मनी है खर्चा करने के लिए, तो बहुत ही बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो इससे भी अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, तो आप उसमें इन्वेस्ट, मतलब आप उसमें खर्चा कर सकते हैं। इससे भी अच्छे ब्लेड्स आती हैं, इससे भी अच्छे सेटिंग्स आते हैं बियर्ड में, तो आप उसमें खर्चा कर सकते हैं। अगर आपका बजट टाइट है और पहली बार ले रहे हैं और बहुत ही रफ यूज़ वगैरह ऐसा कुछ करना है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये चल जाएगी आपको बियर्ड ट्रिमिंग में। तो इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कुछ भी, या इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, उसमें भी DM कर सकते हैं, कोई भी कुछ इसके बारे में पूछना हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।